ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, हर रोज इस समय हम आपसे अपडेट लेते हैं शेयर बाजार को लेकर, और आज भी देखिए शेयर बाजार में जिस तरह से लगातार बढ़त बरकरार है, निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है। चाहूंगी कि ज्यादा जानकारी इस पर आप दें। देखिए, पहली बार आज निफ्टी 50 जो है 24,205 के पास जो है खुलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें 69,500 यानी करीब 80,000 के आसपास देखिए सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है। कल बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ था, आज बढ़त के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। आज सप्ताह का दूसरा दिन है और महीने का दूसरा दिन। तो इसके अलावा देखिए करीब 1935 शेयर जो है वो आज इस वक्त बढ़त दिखाई दे रहे हैं, जबकि 536 शेयर के दाम जो है वो गिरते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन 100 शेयर्स ऐसे हैं, कंपनी के शेयर्स हैं जिनके दाम कल भी वही थे, आज भी स्थिर है, यानी स्थिर कहा जा सकता है। देखिए इसमें जो अगर हम बात करें तो कुछ कंपनियों के शेयर, जिस तरह से कल अगर हम बात करें तो एक हीरो मोटर्स कॉर्प हो या अन्य जो प्राइवेट बैंक्स के जो शेयर्स हैं वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ दाम है जो अभी भी स्थिर है, तो ऐसे जो जिन कंपनियों के शेयर जो ग्राहक खरीदते हैं उनके लिए निराशा होगी, लेकिन जिनके शेयर्स उन्होंने पहले खरीदे 1935 में अगर उनके शेयर्स आते हैं तो उसके दाम जो आज बढ़े हैं ये खुशी की बात है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज जो बाजार है काफी अच्छे अंकों के साथ खुला है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है दिन भर अगर इसी तरह से कारोबार तो कल एक नया ऑल टाइम हाई यानी 80,000 के आसपास जो है वो खुल सकता है। बिल्कुल, देखिए यानी कि ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी बढ़त जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है, और ऐसे में निवेशकों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर जिस तरह से चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि ये डाउन होगा, तमाम परेशानियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा दिन ऐसे गुजरे होंगे जब शेयर मार्केट में उछाल था, अच्छी बढ़त थी, और बहुत कम दिन ऐसे होंगे जब शेयर मार्केट डाउन गया होगा। शुभ, देखिए जो जानकारी हमें मिली है कि कल के दिन जो सीमेंट कंपनी के शेयर्स थे उसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हीरो मोटर कॉर्प जैसी कंपनी है उसके शेयर तकरीबन 15% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे पिछले दो दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों कंपनियों का आप एग्जांपल सेट कर लीजिए किस तरह से ये शेयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। हालांकि आपने जो सवाल पूछा कि जिनके शेयर डाउन हुए थे इनके लिए निराशा है, ये बिल्कुल निराशा थी, लेकिन अब चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे एक अलग रौनक होगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई एक अलग आंकड़े को छू रहा है, अलग स्तर को छू रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार कितनी तेजी से जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचता आ रहा है। तो आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले अगर एक दो दिन भी इसी तरह से मार्केट खुलता रहा तो वो दिन नहीं होगा जब 80,000 शेयर के पास होते। देखिए एक दो महीने पहले हम 72,000, 73,000, 74,000 शेयर पे जो है सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई देता, लेकिन अब 69,500 के आसपास सेंसेक्स खुल रहा है, निफ्टी 50 24,000 के पास जा रहा है। तो ये अच्छे संकेत है ग्लोबल वैश्विक स्तर पर भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम जो कंपनीज के शेयर है उसमें कितने इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।